ऊना में एक मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल पर एक मरीज के परिजनों ने लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से मरीज मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। आरोप है कि मरीज के 3-3 ऑपरेशन के बावजूद उसको राहत की अपेक्षा टांग छोटी हो गई है और किडनी फेल हो गई है, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन ने इसके लिए डॉक्टर को जिम्मेवार बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बीती बताने के लिए पीड़ित परिवार को एम्बुलेंस में मरीज को लाना पड़ा। ऊना में एक मरीज मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। मरीज के परिजनों ने शहर के ऊना नंगल रोड पर एक मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल में लापरवाही से इलाज किए जाने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से मरीज तंग हाल हो गया है। आरोप है कि मरीज के 3-3 ऑपरेशन के बावजूद उसको राहत नहीं मिली, उल्टा उसकी टांग छोटी हो गई है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बीती बताने के लिए पीड़ित परिवार को एम्बुलेंस में मरीज को लाना पड़ा। पीड़ित परिवार का दावा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही का आलम यह था कि 3 ऑपरेशनों को अलग अलग डॉक्टरों ने किया, क्योंकि हॉस्पिटल के रवैये के कारण पहले के डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ गए हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 ऑपरेशन के कारण उनका खर्चा भी 3 गुना बढ़ गया था। बहरहाल अपनी व्यथा और इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार प्रशासन और पुलिस के चक्कर काट रहा है। अभी तक जिलाधीश, पुलिस कप्तान और सीएमओ ऊना को लिखित में शिकायत भी पीड़ित परिवार द्वारा की गई है, लेकिन इंसाफ की आस में आज दिन तक वो सुनवाई के लिए एक बुलावे का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन के कान तक जूं तक नहीं रेंगी है। मेरी माता घर में गिर गई थी, तो गिरने में उसकी जो है ना जी टांग फ्रैक्चर हो गई। टांग फ्रैक्चर होने के बाद जी हम लोग इलाज के लिए गए थे जी हॉस्पिटल वालों नहीं लिया, तो हम लोग ग्लोबल हॉस्पिटल में चले गए। ग्लोबल हॉस्पिटल में हमारे जी 3 ऑपरेशन हुए हैं। पहले प्लेट डलवाई थी जी, प्लेट भी नाकाम हो गई जी। दूसरा फिर उन्होंने जब लेके गए दोबारा जी, तो उन्होंने डिसाइड किया जी कि प्लेट निकालनी है, जो निकली हुई है हड्डियों से बाहर निकल गई है, हड्डी से बाहर निकल गई है, उसके स्क्रू निकल गया, प्लेट खुल गई है और वो बाहर निकालनी है। हमने कहा जी निकाल दो जी, तो निकालने से पहले ये बात हुई थी कि निकालनी है तो अगर निकाल दो तो अगर कोई इसके साथ कुछ और भी ऑप्शन कर लो, देख लो जी क्या करना। उन्होंने कहा फिलहाल हम प्लेट ही निकालेंगे, तो दूसरा ऑपरेशन कर दिया उन्होंने प्लेट निकालने का, जिसमें रोड डाल दीजिए एक ताकि टांग बराबर हो जाए। टांग नहीं बराबर हुई जी, रोड डाली हुई थी, 7 किलो लगभग वेट डाला हुआ था उसमें। उल्टा क्या हुआ जी कि उसने जो बोला था कि 1.5 महीने के तक हम लोग सिलवा देंगे, तो 1.5 महीने के बाद हमें पता लगा कि हम जब 2 महीने के बाद एक्सरे हुआ तो पता लगा कि जो एक्सरे में दिखाया गया वो बाइपोलर जो है ना टांग में से जो चूल्हे में से बाहर आ गया, तो बाइपोलर जो बाहर आया तो फिर हमने उससे पूछा डॉक्टर से कि सर ये अब क्या होगा। तो हम लोग बहुत नाराज हो गए कि 3 बार ऑपरेशन करने के बाद भी हमारी माता की ये हालत हो गई है। वो सारा काम घर पे करती थी जी, अब ये हालत है कि वो अब मतलब बेड के ऊपर ही पड़ी हुई है जी। पिछले हफ्ते 13 तारीख को मैंने डीसी साहब को एप्लीकेशन दे रखी थी, मैं मिला था और डीसी साहब ने मेरी एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे ढंग से मेरे को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने गाइड करा और मेरी एप्लीकेशन मेरी पूरी पड़ी और मेरे सारे एक्सरे वगैरह पूरी तरह ढंग से देखे और मेरे को पूरा आश्वासन दिया था कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर 304 धारा लगनी चाहिए और मैं लगवाऊंगा, आप SHO के पास जाओ। हाँ जी, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना जी हॉस्पिटल के डॉक्टर है, हॉस्पिटल है या जो भी इन्वॉल्व है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी FIR होनी चाहिए खासकर डॉक्टर के ऊपर, ठीक है सर। और तीसरा सर, हमें इसका सही इंसाफ मिले। वहीं इस गंभीर विषय पर आरोपी प्राइवेट हॉस्पिटल प्रबंधन ने पल्ला छुड़ाने वाला जवाब दिया। प्रबंधन ने इसके लिए ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को जिम्मेदार बताया। सर ऐसे है कि हम लोग हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हैं, तो हमारे पास वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, तो जिन्होंने ये ऑपरेट किया, टेक्निकली क्या प्रॉब्लम आई वो डॉक्टर साहब बेटर बता सकते हैं। हमारे एंड पे सिर्फ इतना ही है कि हम उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज उनको प्रोवाइड कराएं, बट जो टेक्निकली इश्यूज हैं तो वो डॉक्टर बेटरली बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो मरीज है उनका कहना है कि जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स डाले गए जी वो जो है वो कंपनी के नहीं थे, जबकि कंपनी के बताए गए डुप्लीकेट डाल दिए गए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डुप्लीकेट चीज नहीं है, हर चीज प्रॉपरली उनको दी गई, बट वही दिक्कत है कि करने वाले सर्जन, टेक्निकली जो सर्जन काम करता वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, तो डॉक्टर के भी एंड पे हम सोचे कि वो किसी का बुरा नहीं करना चाहते थे, ना ही कोई करता है। जो डॉक्टर है उनका कहना है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स
डाले गए थे जी जी, वो जो है वो हॉस्पिटल पर मैनेजमेंट द्वारा उन्हें मुहैया करवाए गए थे वो सर, उनके स्टिकर्स भी हैं हमारे पास, जो चीज है उनकी प्रॉपर फाइल बनी हुई है किस कंपनी के हैं, सारी वो कंपनियां मतलब अपना जो